हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इन ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन लोगों को यानी कि एस्ट्रोनॉट को जो आसमान है जो स्काई है वो डार्क दिखाई देता है यानी कि काला दिखाई देता है ब्लू दिखने के बजाय क्योंकि जो अर्थ पे रहते हैं जो पृथ्वी पे रहते हैं उनको अगर हम पूछेंगे तो उनको जो आसमान है जो स्काय है वो ब्लू दिखाई देता है नीला दिखाई देता है लेकिन जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें ये जो स्काय है वो डार्क यानी कि काला दिखाई देता है ऐसा क्यों तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से तो बेसिकली स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट को जो आसमान है जो स्काय है वो काला दिखाई देता है ब्लू दिखाई देने के बजाय ऐसा इसलिए क्योंकि जो आउटर स्पेस है अंतरिक्ष का जो बाहर वाला हिस्सा है वहां पे कोई भी एटमोस्फेयर नहीं होता है देखिए जैसे अर्थ होता है ना अर्थ के चारों तरफ होता है एयर्स वाटर वेपर की और गैसेस की लेयर्स बनी होती है जिसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं तो आउटर स्पेस में कोई भी एटमोस्फेयर नहीं होता है उसकी लेयर्स नहीं होती है जिसकी वजह से जो सन से लाइट आती है वो स्केटर नहीं हो पाती है फैल नहीं पाती है तो हमने आपको स्केटरिंग ऑफ लाइट वाली वीडियो में बताया थे कि जो भी लाइट सन से आती है जनरली वो एटमोस्फेयर के वजह से स्केटर होता है और सबसे ज्यादा स्केटरिंग होती है ब्लू लाइट की जिसकी वजह से हमको स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है पर यहाँ पे क्योंकि आउटर स्पेस में कोई भी एटमोस्फियर नहीं है जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो स्केटर नहीं हो पाती है फैल नहीं पाती है तो क्योंकि सनलाइट यहाँ पे स्केटर नहीं होती है तो इसलिए एस्ट्रोनॉट की आंखों तक कोई लाइट पहुंच नहीं पाती है एंड क्योंकि कोई लाइट पहुंचती नहीं है तो इसलिए वहां पे वो सब चीजें उसे काली काली यानी कि डार्क दिखाई देती है तो सिंपल यही रीजन है कि जो आउटर स्पेस होता है जो बाहर वाला जो अंतरिक्ष वाला हिस्सा होता है वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है एटमॉस्फेयर नहीं होने तो की वजह से वहां पे लाइट की स्केटरिंग नहीं हो पाती है लाइट फैल नहीं पाती है और लाइट की स्केटरिंग नहीं होने की वजह से लाइट ही नहीं पहुंच पाती है एस्ट्रोनोट की आईज तक जिसकी वजह से वहां पे सब उसे काला काला यानी कि अंधेरा ही दिखाई देता है तो यही रीजन है कि एस्ट्रोनॉट की आंखों तक के लाइट नहीं पहुंचने की वजह से स्केटरिंग नहीं होने की वजह से वहां पे सब चीजें काली दिखाई देती है और से स्काई भी पूरा काला डार्क ही दिखाई देता है ओके स्टूडेंट्स क्लियर है आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू